माय चैनल भाई, हम लोग रेडी हो चुके हैं। बाइक आपने देखा, बिल्कुल रेडी हो गई। हमने इसकी सीट चेंज कर दी है, बैक रेस्ट लगा दिया। आज भाई और मैं निकल रहे हैं वृंदावन की ट्रिप पे, तो आपको साथ लेके चलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो अब सीधा बाइक पे मिलते हैं। तो यहाँ पे फ्यूल अप वगैरह करा लिया और हमने एयर प्रेशर चेक करा लिया। अब निकलते हैं अपनी जर्नी के लिए। भाई पहला ब्रेक लिया है, पहला ब्रेक तो क्या मतलब, इधर शुरू भी नहीं हुआ है। सोचा थोड़ा पानी वानी ले लेते हैं रास्ते के लिए, रिफ्रेशमेंट वगैरह। बस अब निकलेंगे सीधा नॉन स्टॉप यार, ग्रेटर नोएडा पकड़ के वृंदावन की तरफ। लो जी, नोएडा की एंट्री हो गई है। अब यहाँ से नोएडा क्रॉस करके आगे सीधा ग्रेटर नोएडा पहुँचेंगे, फिर ग्रेटर नोएडा के रास्ते में यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ते हुए आगे निकल जाएंगे। तो क्योंकि हम ये राइड 15 अगस्त से एक दो दिन पहले कर रहे हैं, तो पूरे रास्ते हमें आते जाते ये लगता है ऐसे ही फ्लैग्स देखेंगे। तो आप जब नोएडा से ग्रेटर नोएडा के रूट पे जाते हो, तो आपको यहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलती है। यहाँ पे काफ़ी सारे कॉरपोरेट ऑफिसेस भी हैं। क्या गाड़ी है ये देखो, BMW की। तो हमने एंटर कर लिया ग्रेटर नोएडा। ये था साइन बोर्ड कि आप नोएडा एग्जिट कर रहे हैं और ग्रेटर नोएडा एंट्री कर रहे हैं। ओके, सो फाइनली यमुना एक्सप्रेसवे का साइन बोर्ड आ गया है। हमें यही वाला एक्सप्रेसवे पकड़ना है और ये सीधा हमें ले जाएगा वृंदावन। तो यहाँ पे मथुरा 126 किलोमीटर दिखा रहा है, बट वृंदावन की जो एग्ज़िट है वो एक्सप्रेसवे से थोड़ा पहले ही आ जाती है। मतलब आप जब एक्सप्रेस वे होते हो तो वहाँ पे नीचे जाके आपको वृंदावन के लिए एग्ज़िट लेनी होती है। ओके जी, वेलकम टू यमुना एक्सप्रेस वे। थैंक यू जी, थैंक यू। सीधा हमें वृंदावन पहुँचा देना सेफली। सुबह हम ऑलमोस्ट घर से अराउंड 70-80 किलोमीटर्स चल चुके हैं और ज़्यादा ढंग से नाश्ता भी नहीं किया है। तो यहाँ हमने एक्सप्रेसवे से एग्ज़िट ले लिया और यहाँ काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट के ऑप्शंस हैं। हाईवे मसाला, यहाँ पे आपको सबवे मिल जाएगा, डोमिनोज़ है, बर्गर किंग है, स्टारबक्स भी है। तो यहाँ रुक के एक बार मस्त सा नाश्ता कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जब भी हम कभी इस रूट पे निकलते हैं वृंदावन जाने के लिए, या फिर अगर हमें आगे आगरा वगैरह जाना हो, तो हम यूजुअली इसको ही अपना स्टॉप बनाते हैं, जो कि अराउंड मिडवे पड़ता है एक्सप्रेसवे पे। और यहाँ पे खाने के ऑप्शंस भी बहुत अच्छे हैं और रेस्टरूम्स वगैरह भी काफ़ी क्लीन है। टू डू विज़िट दिस प्लेस, आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे। फाइनली भाई 80 किलोमीटर्स क्रॉस्ड और यहाँ पे आए हम हाईवे मसाला पे। अब यहाँ कुछ लंच वगैरह करेंगे, चाय पानी पियेंगे, एंड आई थिंक यहाँ से कुछ 70-80 मोर है टोटल मथुरा का रास्ता। तो चलिए आपको ये जगह दिखाते हैं। सुबह यहाँ हमारा डोमिनोज से हमने ले लिया एक स्टफ गार्लिक ब्रेड और साथ में हमने ले लिया है राज कचौड़ी। खाना पीना हो गया, चलते हैं यहाँ से, बाइक निकालते हैं। ये खड़ी अपनी डार्लिंग, और अब यहाँ से भाई चलाएगा, क्योंकि हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हम 50-60 किलोमीटर्स पे टर्न्स ले लेते हैं, जिससे पीछे बैठे हुए रेस्ट मिल जाएगा। भाई नाश्ता करके थोड़ा दूर चले ही थे, तो ये आ गया हमारा पहला टोल। एंड आई थिंक ये एक्सप्रेस वे, तो यहाँ पे बाइक की अराउंड 135 रुपये की स्लिप कटेगी। अच्छा था सफ़र, तो एक्सप्रेस वे तो काफ़ी स्ट्रेट ही था, एक हद के थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है, बट कंफर्टेबल था। तो भाई बाइक लवर्स का तो ऐसा हाल है कि खाली बैठ के रेस्ट कर भी रहे हों तो भी उनको साथ साथ अपनी बाइक को निहारना होता है। तो वही मैंने किया कि वहाँ 2 मिनट बैठे ही थे और मैं खड़े होकर बाइक का वीडियो बनाने लग गया। मस्त यमुना एक्सप्रेस वे, साइड में ग्रीनरी।
तो भाई 10 मिनट यहाँ पे रेस्ट करने के बाद हम निकलते हैं आगे अपनी जर्नी को। भाई वृंदावन में एंटर करते ही हमें कच्चे रास्ते लेने पड़ गए क्योंकि यहाँ बहुत जाम है। आजकल अधिक मास और एकादशी चल रही है तो हमने ये शॉर्टकट लिया तो ये तो काम नहीं आया, तो हमें यू टर्न लेना पड़ रहा है यहाँ से। और आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं। और भाई बहुत ही ब्यूटीफुल ये यमुना नदी का नज़ारा मिलता है जब हम वृंदावन में एंट्री करने लगते हैं। और भाई ये है वृंदावन का परिक्रमा मार्ग। जैसे ही आप एक्सप्रेस से नीचे उतरते हो तो यहाँ परिक्रमा मार्ग से एक एंट्री स्टार्ट हो जाती है। भाई बहुत ही ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, मतलब चलने की भी जगह नहीं है। और भाई वृंदावन में अपने भाई लोग मिले तो हम इनसे पूछ रहे कि हमें कहाँ स्टे करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। यहाँ पे भाई ने वीडियो बनाया था, ये यहाँ का एक फेमस चौक है जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं भाई उस दिन कितना क्राउडेड था। और हमें तो आइडिया भी नहीं था कि कुछ स्पेशल डेज़ हैं तो हम यूजुअली अवॉइड ही करते इस दिन जाना, तो इस बार तो हमारे दर्शन हुए नहीं। ये पिछली बार के मेरे ट्रिप के बांके बिहारी जी के दर्शन है। तो भाई रात को डिनर करके हम लोग यहाँ इस आश्रम में सो गए थे और ये नेक्स्ट डे है, डे टू। और अब हमारी तैयारी है यहाँ से दिल्ली निकलने के लिए, तो बाइक हमने यहाँ पार्किंग में खड़ी कर दी थी। और फिर फाइनली बाइक को नीचे उतारते हैं, इसका वार्म अप वगैरह करते हैं और यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। और भाई यहाँ पे बाइक को स्टार्ट करके मैं पूरे आश्रम को लाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि शांति से बाइक को पहले नीचे उतार लेता हूँ फिर यहाँ से चलते हैं। कहें भाई ये है शेरावाली माता की बहुत बड़ी मूर्ति। तो जब आप वृंदावन से पुराना वाला हाईवे की तरफ एग्जिट करते हो तो वहाँ पर आपको ये शेरावाली मूर्ति दिखती है। तो भाई बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा था। और अगर हम नॉर्मल एक्सप्रेसवे की तरफ से निकलते तो फिर से हमें जाम मिलना था क्योंकि हमने न्यूज़ में पढ़ लिया था कि जो जाम है वो एटलीस्ट 3-4 दिन रहने वाला है। फिर हमने रास्ते में रुक के यहाँ पे नाश्ता किया और बढ़िया डोसा वगैरह खा के फिर गाइस इंडिया के सड़कों में हमें कुछ जीनियस लोग दिखते ही रहते हैं, चाहे हाईवे हो चाहे लोकल स्ट्रीट्स हो, ये लोग कहीं पे भी क्रॉस कर जाते हैं। तो कमेंट में शेयर करिए आपके साथ भी कोई ऐसा स्टूपिड बंदा सामने आया हो। तो यहाँ हम अपना ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ बढ़िया गन्ने का जूस पीते हैं क्योंकि राइड के टाइम पर अपने आपको हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी ऐसी राइड पर जाते हैं तो मेक श्योर आप इनफ वाटर ले रहे हैं। सुबह हम लोग ऑलमोस्ट फरीदाबाद एंटर करने लगे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ओल्ड हाईवे से जा रहे हैं तो इस रूट में हमारे को बल्लभगढ़, फरीदाबाद ये सब आएगा। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली अपने घर के पास। तो ये है सिविल लाइंस एरिया, यहाँ से क्रॉस करके दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह एरिया क्रॉस करके हम लोग अपने घर के पास पहुँच जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।